ये अपनी मस्ती में है अपना शोभा भाई, ये अपनी मस्ती में, और जो जो कुछ कर रहे हैं ना इनको कोई नहीं होगा। जिन्नात की असरात है, वाकई सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम राज की बात के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह पाक के करम से और अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। यार जब से हमने ये प्रोग्राम किया है तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है ज़िंदगी में कि बाज़ुकात हम भी चौंक जाते हैं कि यार ज़हन नहीं मानता, वहम गुमान में नहीं होता कि क्या ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे शूट करते हैं, मुख्तलिफ़ मामलात को रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि यार हकीकी जो लाइफ है उसके अंदर कुछ और भी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसको हम बोलते हैं अनहोनी। आज भी एक हम अनहोनी चीज़ को करने के लिए आए हुए हैं, और आज हमें ख़ास तौर पे हमारे भाई हैं आसिफ साहब, जिनको आप जानते हैं और बड़ा आप इनको याद रखते हैं माशाल्लाह, आपको इनकी एक ख़ास पहचान है, और अल्लाह आपको खुश रखे सलामत रखे। तो आशिक भाई भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आसिफ भाई भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, ये हम इन्होंने हमें बताया, तो इनकी ज़बानी हम इनसे पूछते हैं कि मसला है क्या, क्या इशू हुआ है। और ये जो हमारी वीडियो है वो आप देख रहे हैं हमारे चैनल जो कि खोज टीवी के ऊपर है, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये खोज टीवी वाले हमारे जो भाई हैं उन्होंने हमें ये बताई है। तो हमने कहा जी इस वीडियो को हम जो खोज टीवी के ऊपर हम अपलोड करें ताकि खोज टीवी पर हमारा राज की बात प्रोग्राम जो है वो हमारे दोस्त देख लें। तो आसिफ भाई अजीब सा मामला है, मैं तो नहीं बताता, मेरी किटना लग जाए, आप बताएं कि है क्या मसला। चलो मैं बता देता हूँ जी, आप बताएं। और आप ठीक हैं जी? अलग से आशिक भाई आप ठीक हैं? चलो मसला ये है कि मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, ठीक है, कि आप जो है ना आशिक भाई को लेकर और शौकत भाई को लेकर आएँ, ठीक है, कि हमारे बच्चे हैं वो अजीबोगरीब हरकत तो सुकनात कर रहे हैं कुछ। हुआ ये कि वो बच्चे जो है गए किसी गांव के करीब से और उन्होंने शादी से गोश्त लिया हुआ था, ठीक है, बाल्टी पकड़ी हुई थी, तो वहाँ से लेकर पक्का हुआ या कच्चा? नहीं पक्का हुआ, शादी थी ना। अच्छा। शादी से वो रोटी लेकर अपने बर्तन में, तो वो कहीं से कब्रिस्तान के नज़दीक से गुजरे वो, सही है, तो वहाँ पे शायद जिन्नात ने, मैं तो देखे वहीं चल के पता चलेगा जो दोस्त ने बताया, तो वहाँ पे जाके पता चलेगा हमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो जो दोस्त ने मुझे बताया वो ये था कि वो गोश्त लेकर जा रहे थे, वहाँ पे वो डरे और उन पर जिन्नात का हमला हो गया। अच्छा, तो बाकी चल के वहीं देखते हैं, पता नहीं उन अब वो करते क्या हैं, हरकत क्या करते हैं, असल चीज़ आपने नहीं बताई जो हमें बताई है। उनकी हरकत तो सुकनात ये होते जो मुझे टेलीफोन पे वो शाहीन साहब है मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे बताया, ठीक है, वो ये है कि वो बच्चे हरकतें ऐसी करते हैं जिस तरह से वो एक जोगी होता है, एक जोगी बना होता है, दूसरा जो ना उसके सामने सांप की तरह खेल रहा होता है, यानी कि उनकी हरकत और सुकनात इस तरह से होते हैं। यानी कि एक जोगी बना हुआ है, एक जोगी किस तरह बना हुआ है, एक्शन करता है जोगी का, ये क्या करता है? नहीं, उसने पक्की वो बीन ली हुई है वहाँ पे, बीन ली हुई है, बीन ली, मुझे शाहीन साहब ने बताया कि वो उनके पास बीन है। हाँ। वो बीन लेकर सारा दिन उसके साथ लगा रहता और वो खेलता रहता आगे से शाम। चलिए दोस्तों आज हम उसी घर के अंदर आए हुए हैं। आशिक भाई ये क्या मामला है यार? ये जो ऐसे मामला होते हैं ना गोश्त वगैरह के, जब बच्चे छोटे कब्र गुस्तान के नज़दीक से गुजरते हैं ना उनके साथ ये थोड़े बहुत छेड़खानी करते हैं जिनात वगैरह। अल्लाह का शुक्र है, देखेंगे आप क्या इनके साथ क्या मामला है, कोशिश करेंगे ये सही हो जाए। यार आसिफ भाई अजीब ही बात है। मैं पहले चलो चलते हैं देखते हैं क्या पता नहीं क्या है, यहाँ क्या है यहाँ पे। वही आसिफ भाई जी, आसिफ भाई आवाज़ बीन की धड़ाधड़। कूड़ा लगा हुआ है? नहीं इसकी है। वही बीन की आवाज़ आ रही, वही काम शुरू किया हुआ है। हाँ आशिक भाई ये बात तो सच है, बिल्कुल देखिए वही काम है सर। ये इसी कमरे में रहते हैं? इसी कमरे में रहते हैं पूरी जुमरात की रात बंद, पूरी जुमरात की रात यहीं पर होते हैं, अब बाहर को निकालने ना खाते हैं ना पीते हैं कुछ, यहीं पे रहते हैं। ये भी क्या कज़न है, भाई है क्या है? नहीं ये आपस में ये वो मेरे घर में ये आपस में वो बड़े चाचे का ही है छोटे का है। ये हम आए हुए हमारी बात ही नहीं सुन रहे। नो नो ये सुनते नहीं, वो लड़के ने मुझे बताया था शाहीन ने। अच्छा। हाँ उसने यही कहा था वो बात ही नहीं करेंगे आपसे जो कुछ करते रहो। वो शहीन तो यहाँ पे मुझे दिखा के गया पहले। ये क्या ये अपनी मस्ती में होते हैं ना वगैरह, तो ये किसी की बात नहीं सुनता।
आशिक भाई, सबसे पहले तो ये कंफर्म करने की जरूरत है जिन्नात का असरात है या इन्होंने अपने घर वालों को पागल तो नहीं बनाया हुआ? नहीं, ये चीज भी सोचने वाली है। हर चीज तो हम जिन्नात पे नहीं डाल सकते ना यार, चीजों को समझने की जरूरत है। ये अपनी मस्ती में है अपना शोभा भाई, ये अपनी मस्ती में, और जो जो कुछ कर रहे हैं ना इनको कोई नहीं हुआ, ये अपनी मस्ती में लगे हुए। जैसे ये कह रहे हैं कि वहां कब्र के सामने देखते ये गुजरते हैं, गुजरे हैं गोश्त लेके, इनके ऊपर वाकई असर है। और खास तौर पे जो बच्चे, नहीं यार मैं तो कह रहा हूँ ये घर वालों को पागल बना रहे हैं। सर ये पागल कैसे बना, छोटे बच्चे हैं सर, ये सर ये ड्रामा कर रहे हैं कोई ना, नहीं ड्रामा नहीं कर सकते ये बच्चे, छोटे बच्चे ड्रामा नहीं कर सकते। ये साथ हैं या नहीं, ठीक अमल करके बताया, ठीक है, ठीक है सर। ओए छोटू, और ये क्या तमाशा कर रहे हो ये छोटे, ये क्या तमाशा कर रहे हो बेटा? देख देख नहीं रहा, और ये कितनी सुरमे बजा रहा है, भी सुरमे बजा रहा है बिल्कुल है? बिल्कुल पता, ये यूं चलता है कि ये जोगी है बिल्कुल। मेहनत तो कर रहे हैं आशिक भाई, और बेटे क्या ये काम किया हुआ है? हेलो ओ यार आसिफ भाई, इनको मारो दो चित्र बाहर निकालो बच्चों को। नहीं भाई मेरे भाई, ओ सर जी ये ड्रामा कर रहे हैं आप, इनको कुछ कहते रहे, इनको हिलाएं आप, मैं देखो जाके हिलाता हूँ। एक मिनट देखो, ये नहीं अच्छा होगा। हेलो ओ छोटू, ये देखो वो ड्रामा कर रहे हैं यार। ओए यार कस्पर, पागल नहीं करे बच्चे। एक चलो आशिक भाई को कर ले ना, कर आशिक भाई को। बच्चे हिली नहीं आओ अपनी मगन मस्त। जी मैं एपिसोड बना रहा हूँ, मैं आपको किसी चीज़ पे कायल नहीं कर रहा। ये जो बता रहे हैं इनकी बात पे आपने यकीन करना है तो कर लीजिएगा, वरना अभी ये पीस आपसे भी पूछते हैं भाई क्या मामला है। मुझे तो फुल ड्रामा लग रहा है, बच्चों ने घर वालों को जलील किया हुआ है, तंग किया हुआ है, ड्रामा किया हुआ है यहाँ पे। अगर ड्रामा करते ये लोग इतना मेहनत क्यों करते, ये सारी रात बैठे रहते हैं। ये भी बात है शौकत भाई, यार मुझे क्या क्या शूट करना पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है जिंदगी में। देखिए बाजी एक चीज मिली है उसको खोज तो लगाए ना हम। यार ये बीन से बच्चे को सांप बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका थीम क्या है आप क्या पता, उसका उसके ज़हन में क्या पता नहीं, तो वो भी मस्त बैठेगा। हाँ देखिए हाँ। आशी भाई से पूछिए, बहुत खतरनाक असरात है पूरे, और ये बीन की इतनी शोर से बजा रहे हैं तो ये उसी ताकत से बजा रहे हैं, जिन्नात की ताकत से, जिन्नात ही बजा रहे हैं, इनका कोई कर्तव नहीं है, बच्चे का कोई कमाल नहीं है, वो जिन्नात बजा रहे हैं ये बीन। हाँ जिन्नात ही बजा रहे हैं ये, जितनी हरकत उसका वही कर रहे हैं। फिर तो आशिक भाई इसका हल निकाले, इनको ठीक करें यार, मैं तो मजाक समझ रहा था ये। आपने मजाक समझी थी ना, हाँ अब देखिए हकीकत। आशिक भाई अपना काम करो, आप पीछे आ जाओ आशिक भाई, कोई चीज चाहिए पानी छानी कोई चीज, पानी दे यार बोतल है, बिल्कुल इतना छोटा बच्चा ऐसे।
नहीं है। इसका वालिद क्या कहता है, इसमें सीखी सीखी नहीं हुई थी कुछ भी? ये तो सादा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा ये तो। अच्छा हाँ, ये दोनों बच्चे पढ़ते हैं? जुमेरात वाले दिन ये इनकी हरकत हो रहा है, पूरी जुमेरात की रात ये अंदर बंद रहेंगे, इसी तरह शाम को इसी तरह आएंगे अंदर, तो बंदा आएगा तो उससे लड़ेंगे, मारते हैं। हमें तो कुछ नहीं कहा, ईंटें मारते हैं, हमें तो कुछ नहीं कहा, बस हमें कुछ नहीं कहा, तो ये हमारे पास आमिल था। शोर से बजा रहा है, देखिए आप ये देखिए, वो इतना बड़ा बच्चा बजा सकता, ये उनकी ताकत से बजा रहा है यार। इनके वालदैन से पूछते, कोई कैमरे पे नहीं आते, ये बड़ा मसला है, नहीं आते कैमरे पे। अब इनका कोई भी रिश्तेदार भी नहीं आके बताता, कहता है हमारे बच्चों की, अब बच्चे वीडियो में तो आ रहे हैं तो जिनको पता होगा यार ये आपके बच्चे हैं, तो बाहर खड़े हैं वो लोग, बाहर खड़े हैं, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाते हैं, सही तरह ब्रीफ नहीं करते, जैसे आप लोग जाएं आप खुद करें, कैमरे के सामने नहीं आएंगे ये लोग, जैसे हम आपसे लाखों रुपए लेके आए हैं भाई, कैमरे के सामने कभी नहीं आएंगे ये लोग। पानी चाहिए? क्या बिगाड़ा इन लोगों ने, क्यों परेशान किया इन बच्चों को, छोड़ दो इनको, नादान बच्चे हैं, छोड़ दो इनको, माफूम है, क्या गलती होगी इनसे, घोष नहीं दिया, गोश हम दे देंगे आपको, छोड़ दो इनको, क्या चाहिए बताओ, इन्हें आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया, पहुंचाया है तो फिर क्यों इनको परेशान किया हुआ है, इनके वालदैन परेशान है, पूरे गांव वाले परेशान हैं, बताओ क्या चाहिए आपको, गोश्त चाहिए हम दे देंगे आपको गोश्त, इन दरबार की ज्यारत करेंगे हमें बताओ, हम ले जाएंगे इनको, छोड़ दो ये, हैंड दो नीचे, छोड़ दो।
ऐसे नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। छोड़ दो छोड़ दो, चलो ले लो ले लो, चुपी से छोड़ो, आ जाओ इसको साइड पे कर लो, इस नवसत को भी इनको आ जाओ, आ जाओ से भाई। ये इनके ऊपर जी असाद जो थे ख़त्म हो गए इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये आधे घंटे के बाद इनको होश आएगा, ठीक है। अब ये जब जिनात का असर हो ना तो ये कंधों पर ये वजन आ जाता है, ठीक है। और ये जनाब ये गर्दन दबा देते हैं अंदर से तो इनके ऊपर फिर सख्ती होती है। अब ये एक कम से कम आधा घंटा ये बेहोश होंगे, उनके बाद ये ठीक हो जाएंगे। और असर भाई आपने इनके वालिद साहब को कहना है, हाँ, एक आधा किलो सवा किलो गोश्त किसी कब्र गुस्सान में रख के आ जाए और पीछे मुड़ के नहीं देखना, इंशाल्लाह ये ठीक है, ठीक हो गया। चलिए फिर हाँ इंशाल्लाह जी दोस्तों, भाइयों की बात आपने सुनी, ये इन्होंने बताए मामला। बच्चे अभी थोड़ा सा लेटे हुए हैं, थोड़ा कह सकते हैं बेहोश है, और मैं तो यार क्या मैं आपको बताऊँ, ये बच्चों का अजीब ही मामला है कि वो इतनी सुर में बीन बजा रहे हैं और इतने मामला, तो ये मुझे तो अजीब सा लग रहा था। लेकिन ये कहते हैं आशिक भी कहते हैं कि जिन्नात के साथ थे और मैंने ख़त्म कर दिए, अल्लाह करे ऐसा हो कि इनके ऊपर अगर खतरा, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि बंदे अगर बच्चे इतनी सुरीली बीन भी बजाते और जुमेरात की जुमेरात पूरी रात कमरे में अंदर ढक जाते और जो भी अंदर आता है उसको मारते हैं फेंकते हैं, लेकिन ये सेट हो गए, सेट हो गए इतना मसला कोई नहीं था इनके, ये बच्चे थे ना इनके बच्चों के साथ ही बच्चे शरारत कर रहे थे, खेल रहे थे बच्चे थे, इनको वो बहुत बूढ़े। ये एपिसोड इनके नाम है, मुझे ना कुछ कहिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, क्योंकि इसी तरह सिलसिले चलते रहते हैं और फिर हम वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। वो याद रखिएगा, हमने काफ़ी दूर जाना है, अभी ये काफ़ी दूर आए हुए हैं और हमने एक और जगह पर लोकेशन पर पहुँचना है, तो दो में याद रखिएगा। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। सेट हो जाएंगे ना? हाँ इंशाल्लाह, हम खुद उठा के जाएंगे, हम चलेंगे। नहीं नहीं आप, हम जा रहे हैं, उठाएंगे मुरली उठा के बजा देंगे। नहीं नहीं ये उठा ले, पानी में फेंक देंगे सब कुछ, इसको दरिया में फेंक देंगे, आज बैग दे दे, ये खुद फेंक देगा, ये पानी में फेंक देंगे। ओके चलो, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।